सनातन धर्म सबसे ज्यादा पुराना है। इस मुद्दे को लेकर समय समय पर बहस भी छिड़ती रहती है, लेकिन कई बार ऐसे सबूत सामने आते हैं जिसकी वजह से लोग सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण एक मुस्लिम देश में भी देखने को मिला। उस कट्टर इस्लामिक देश से ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखकर शायद कट्टरपंथियों का माथा घूम जाए। दरअसल तुर्की के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस्तांबुल के पुरातत्व पार्क में एक चर्च के पास खुदाई के दौरान ग्रीक देवता पान की 1700 साल पुरानी एक संगमरमर की मूर्ति मिली। ये ईसाई कालीन एक चर्च की खुदाई के दौरान मिला है। बताया जा रहा है कि पान को बकरी के सींग, खुर और नग्न धड़ के साथ चित्रित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्खनन में मिली ये मूर्ति रोमन कालीन है। वहाँ सेंट पॉलिक्यूट्स मौजूद है। अब इसका सिर्फ खंडहर ही बचा है। ये कभी रोमनो कॉन्स्टेंटिनोपल में सबसे बड़ा चर्च था। इसे यरूशलेम में सोलोमन मंदिर के समान बनाया गया था। अब यहाँ इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगरपालिका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 537 में सम्राट जस्टिनियन द्वारा बनवाए गए नए हागिया सोफिया चर्च से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल में चर्च ऑफ सेंट पॉलियुक्स सबसे बड़ा चर्च था। बताते चले कि इन्हीं रोमनों को हराकर तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी गई थी और उस समय की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है। हागिया सोफिया विश्व प्रसिद्ध एक चर्च है जिसे बाइजेंटाइन शासकों ने बनवाया था। इस्तांबुल पर ओटोमन्स ने 1453 पर कब्जा कर लिया था और इसे 1511 में मस्जिद बना दिया था। हागिया सोफिया को 434 वर्ष तक मस्जिद माना गया। फिर 1945 में तुर्की सरकार ने इसे म्यूजियम बना दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने 10 जुलाई 2020 को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथेड्रल हागिया सोफिया को एक बार फिर से मस्जिद में बदलने की घोषणा की। उससे पहले तुर्की की एक अदालत ने ये निर्देश दिया कि एर्दोगन के इस निर्णय पर पोप ने दुख व्यक्त किया है। बता दें कि संगमरमर की इस मूर्ति की जानकारी उस समय सामने आई जब सेंट पॉलियक्स चर्च के खंडहर के नीचे एक सुरंग को फिर से खोल दिया गया। इस्तांबुल महानगर पालिका से एक पुरातात्विक पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में पुनर्विकास किया है। ये मूर्ति चर्च के मुख्य भवन के उत्तर पश्चिम की ओर सतह से लगभग 8.5 फीट यानी कि 2.6 मीटर नीचे बैकफिल में मिली थी। संगमरमर की मूर्ति 1 फुट से भी कम लंबी है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। उसका केवल सर, धड़ और एक हाथ बचा है। हालांकि इसका अभी भी महत्व है। अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच के बाद ही इसकी वास्तविक समय की जानकारी मिल पाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पान जंगलों, खेतों, चरवाहों और किसानों के प्राचीन यूनानी देवता थे। वो मूल रूप से एक उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी के देवता थे और वो अप्सराओं के साथ गुप्तगू करते थे जो पेड़ों, धाराओं और अन्य विशेषताओं से जुड़ी महिला प्रकृति देवी थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।